वेलकम बैक गाइस। सो गाइस, फ्री फायर में न्यू स्पाइडरमैन वाला मोड आ चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको खेलना है और उसको खेल के आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले इवेंट पे चले जाना। इवेंट में आपको सबसे नीचे यहाँ जाना है, यहाँ पर लिखा है ट्राई पार्कोल मोड। हमारा न्यू स्पाइडरमैन वाला मोड है, उसका नाम है पार्कोल मोड। ये बोल रहा है अगर आप 30 मिनट खेल लोगे तो आपको तीन टोकन उसके बाद में 4 टोकन, टोटली आपको 10 टोकन मिल जाएंगे आज के दिन। कल दोबारा से आपको यही खेलना है, कल के दिन में आपको काफी टोकन मिलेंगे। टोकन एक्सचेंज का ये इवेंट नहीं है, तो बस आपको टोकन इकट्ठा करना है। तो खेलने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ पर स्पाइडर वर्सेस पार्कोल यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कर देना। सो गाइस, जब भी हमारा गेम चालू हो चुका है, और हाँ 30 मिनट आपको रोज खेलना ही खेलना है, टायर वाले टोकन आपको लेने हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें एक्सचेंज इवेंट चालू होगा जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे एक्सचेंज करने पर। सो गाइस, यहाँ पर आपको कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेना। अभी मैंने ब्लू वाला स्पाइडरमैन सेलेक्ट किया है, और ऊपर आपको जो कॉइन दिख रहे हैं, मेन हमारा कॉइन ही है। गेम जीतने के लिए आपको कॉइन चाहिए बहुत सारे। सो गाइस, अभी 2 कॉइन लिए, तो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी पूरी हुई है, इसी प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। ऊपर सारे नहीं मतलब बहुत सारे कॉइन आपको इकट्ठा करना है। आपका मैप ये कभी भी खत्म नहीं होगा, आपको बहुत सारा मतलब चक्कर काटना है, और जैसे जैसे भागोगे आपको और कॉइन दिखते मिलेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आपको देख सकते हो जंप वाला बटन अभी गायब हो चुका है, यानी कि जो हुक फेंकने वाला है, अगर आपके पास हुक फेंकने का बटन गायब हो जाता है तो आपको जमीन पर इस प्रकार से पावर गिरी हुई मिलती है। आपको ये पावर लेनी है तो आपको हुक वाले और बटन मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने हुक वाले बटन ले लिया, अभी मैं दोबारा से जंप कर सकता हूँ और हमको और कॉइन मिल सकता है इजी तरीके से। अब देखो तो चारों तरफ बस आपको भागना है और आपको काफ़ी सारे कॉइन मिलते रहेंगे। और गाइस, यहाँ से मैंने वीडियो कट किया और मेरे लास्ट ये कॉइन लेने वाला हूँ जिसमें हमारा गेम खत्म होने वाला है, और ये कॉइन हमने ले लिया भाई। आ जा। सो गाइस, ये हमारे कॉइन हो चुका है कंप्लीट, अभी गेम ओवर लिखा हुआ आ जाएगा। हमारा गेम अभी कंप्लीट हो चुका है और ये अभी अपना बैक हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सो गाइस, अभी मैं ये गेम बैक हो चुका है, देख तो काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से। इसके साथ में अभी आपको और टोकन मिलता है जो कि क्राफ्टलैंड वाले टोकन है। अब दोस्तों, क्राफ्टलैंड वाले टोकन से आपको क्या मिलेगा अभी आपको बता देता हूं। टोकन से हमको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ रिडीम पे आ जाना है और यहाँ सबसे नीचे आ जाना है क्राफ्टलैंड टोकन। गाइस, आपको ये वाला टोकन मिलते हैं जो कि इस प्रकार से क्राफ्टलैंड टोकन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, और सबसे महंगा रिवॉर्ड यही है 4990 का टोकन का रिवॉर्ड, जो कि हमारा बैकपैक है। इतना कुछ खास नहीं है जिसके लिए हम 4900 टोकन इकट्ठा करके खर्च करें, मतलब भाई कुछ भी। अभी आपको कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अभी मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।